दोस्तों, अगर इस बार आरओ का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको किसी भी तरीके से करंट अफेयर्स के सेक्शन में अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा। जीएस में आप अच्छा स्कोर तभी कर पाओगे, 90+ नंबर तभी ला पाओगे जब आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अच्छे से करके आओगे, क्योंकि लगभग जो 11 फरवरी को एग्जाम हुआ था उसका ये पेपर आपके सामने है, और 11 फरवरी वाले एग्जाम में लगभग 25+ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए थे, और अगर करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक्स को भी इंक्लूड कर लें तो लगभग 30+ क्वेश्चन जो है वो करंट के ही पूछे गए थे। तो इस वजह से आप लोग गलती ना कर दो, क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम लोग मेहनत से तो पढ़ रहे हैं। भाई, आप मेरी कोचिंग से पढ़ रहे हो या किसी दूसरी कोचिंग से पढ़ रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपकी मेहनत में गलती कहाँ हो रही है वो चीज आपको सिखाता हूँ, क्योंकि बाद में अगर आपको एग्जाम के बाद में ये गलती पता चलेगी तो आपका पूरा का पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, और हमें मालूम है कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया था 11 फरवरी वाले एग्जाम में कि उस समय चूंकि एशियन गेम्स हुआ था तो एशियन गेम्स में इस तरफ देशों का नाम और इस तरफ था कि कौन से देश ने किस कितने पदक जीते, इसको मैच कराना था। अब क्या हो रहा कि जितने भी लोग करंट अफेयर्स आजकल पढ़ते हैं वो थ्योरी वाला करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हो आप, लेकिन हमारा जो करंट अफेयर्स है वो क्वेश्चन के फॉर्मेट में होता है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। तो आपने या तो एशियन गेम्स में इंडिया ने कितने मेडल जीते ये लोगों को याद था, या तो चाइना वाला याद था, इसके अलावा उनको ये नहीं याद था कि 190 किसने जीते, 107 कितने जीते, 383 कितने जीते, 188 कितने जीते। तो आपको क्या करना होगा कि करंट अफेयर्स पढ़ते समय जब किसी भी क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन मान लो आपने पढ़ा, उस क्वेश्चन के नीचे जो एक्सप्लेनेशन लिखा होता है उस एक्सप्लेनेशन में पढ़ते समय अपने आप से क्वेश्चन बनाने हैं। मतलब पढ़ते समय आपको खुद से सोचना है कि अगर ये पूछ ले कि कौन से देश ने कितने मेडल जीते हैं तो क्या होगा, मान लो ये भी पूछ सकता है कि कौन सा प्लेयर किस खेल से संबंधित है तो क्या आंसर हो सकता है, मान लो यही पूछ ले कि ये प्लेयर कितने मेडल, इसने कौन कौन से मेडल जीते, मतलब कांस्य पदक, स्वर्ण पदक, अलग अगर अलग से क्रॉस मैचिंग वाला क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे कर सकते हैं। यानी कि आपको थ्योरी ऐसे नहीं पढ़ना है कि नॉर्मल बस थ्योरी पढ़ गए और आगे बढ़ गए अगले क्वेश्चन की तरफ, आपको पूरी लॉजिकल अप्रोच के साथ में पढ़ना है। अदरवाइज आप देख लेना, सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी आप करंट अफेयर्स का क्वेश्चन वहां पर कर नहीं पाओगे। जब एक्सप्लेनेशन को आप इस तरीके से पढ़ोगे कि एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है, वो क्वेश्चन बन सकता है, तब जाकर आपका ये वाला सेक्शन सही से कवर हो जाएगा। बाकी आपको पता है कि पिछले साल अभी जो 11 फरवरी को एग्जाम हुआ था उसमें हमारे बैच से 97 क्वेश्चन डायरेक्ट फंसे थे, लाइन से लाइन, शब्द से शब्द। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको विश्वास नहीं हो रहा होगा, इसी वजह से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक प्रूफ वाला वीडियो भी डाल रखा है, आप प्रूफ देख लीजिए। इतना आपसे वादा करते हैं कि हम जो चीज करवा रहे हैं आज से भी आप लोग बैच लेकर पढ़ना शुरू कर दोगे तो आराम से आपका एग्जाम निकलवा देंगे, आराम से आपका एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि हमने लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से सारी चीजें करवा रखी हैं। तो अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल आपको दे रखी है। बाकी जैसे आप पढ़ रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जो भी गाइडेंस के वीडियो मैं बना रहा हूँ उसको फॉलो करके भी आप काफी फायदा ले सकते हैं, बेनिफिट आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस।